दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, वेलकम जसवीर जी, आपका स्वागत है आज के पैनल में और सारे लोगों को एक बार और हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष की। 2022 आपके लिए खुशियां लाए, हमेशा आपके लिए सफलता लाए और आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। और दोस्तों, आज का जो न्यू ईयर का जो धमाका है, न्यू ईयर की जो शुरुआत है, हम हमारे सक्सेसफुल सिस्टम के और सेफ सोप के बहुत ही दमदार कद्दावर लीडर, और मैं ये सब बोलूंगा कि जैसे क्रिकेट के विराट कोहली और सचिन है, ऐसे ही हमारी सेफ सोप और ट्रिपल एस के और रॉयल ड्रीमर्स टीम के सचिन और विराट कोहली हमारे बीच में है। आइए, नए साल की शुरुआत हम बेहतरीन लीडर, दमदार लीडर, धमाकेदार लीडर और बहुत ही कमिटेड लीडर मिस्टर जसवीर जी के माध्यम से हम करते हैं। एक बहुत जोरदार तालियां जसवीर जी के लिए। वेलकम जसवीर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया स्वस्थ और मस्त होंगे और आज की सुंदर सुबह में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ग्रेट महागुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज के दिन मुझे इस दमदार यूट्यूब चैनल पर आने का मौका मिला। मैं और अपने सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज मुझे इस पैनल पे आने का मौका दिया। सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ऑल ओवर इंडिया से सभी जुड़े हुए हमारे साथियों को मैं एक बार फिर नए साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज का दिन वाकई में ऐतिहासिक दिन है। 2020 और 21 बोलते हैं बीमारी का साल रहा, लेकिन 2022 खुमारी का साल रहने वाला है, सेफ सोप की खुमारी का साल रहने वाला है। बहुत बड़ा कुछ इतिहास लिखने वाला है और आज की शुभ शुरुआत आज से होने वाली है। परमपिता परमात्मा ने हमें आज का दिन देखने का मौका दिया, आज के लिए सांसें बख्शी। हम उस ईश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं कि उसने आज की सुंदर सुबह हमें देखने का शुभ अवसर दिया। माँ गुरु जी, आपकी परमिशन हो तो मैं स्लाइड शेयर करूं। आप प्लीज सर, प्लीज। आगे है स्लाइड आपकी, ना स्क्रीन खुल हो गया है, खुल गया है और स्लाइड भी ओपन होगी। वेलकम ऑल ऑफ यू जी गुरुदेव, वेलकम टाइगर। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं सभी साथियों का आज के इस जूम पैनल पे और यूट्यूब लाइव पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और साथियों, आज का जैसे टॉपिक है, मैं उसी टॉपिक के बारे में ही बात करूंगा। जैसा कि आज का टॉपिक है टारगेट के रिलेटेड, हमारा जो बहुत ही दमदार कंपनी ने लंदन का हम लोगों को यूरोप का टारगेट दिया है, उससे रिलेटेड हम लोगों की ये लगातार दमदार सीरीज चल रही है और मैं उसी से रिलेटेड आप लोगों से बातचीत करूंगा। मेरा नाम जसवीर है और मैं भी सिपसॉप कंपनी का 17 साल पुराना एक एसोसिएट हूँ। एक दिन मैं भी इस बिजनेस में एज ए स्टूडेंट मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी और आज वर्तमान में मैं इस कंपनी में क्राउन एम्बेसडर लेवल पर हूँ और काम करते करते अभी बहुत जल्द यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर होने जा रहा हूँ, माँ गुरु जी लोगों के आशीर्वाद से। साथियों, मैं कोई भी बात शुरू करूँ, सबसे पहले आज का जो ये पैनल है बहुत ही दमदार और ये कहीं ना कहीं जिस पे आज जिस चैनल के माध्यम से हम लोग लाइव हैं यूट्यूब पर, माँ गुरु जी अग्रवाल साहब का जो चैनल है वो आज बड़े बड़े चैट शो को भी पीछे छोड़ चुका है। आज इस चैनल पे आकर के इतनी दमदार एक से एक सक्सेस स्टोरी हम लोगों को जानने के लिए मिलती है। सफलता के वो लेजेंड्स इस चैनल पे आते हैं जिन लोगों को सुनना कभी कई बार अगर ऐसा लगता था एक सपने जैसी बात थी, कई चीजें हम लोग मिस कर देते थे, लेकिन इस चैनल को जब से माँ गुरु जी ने स्टार्ट किया है तब से हर दिन जब सुबह की शुरुआत होती है बिल्कुल माँ गुरु जी जनरल साहब की तरह आ जाते हैं और बिल्कुल कोई ना कोई एक लेजेंड पर्सनैलिटी आती है हमारे बीच में और वो अपनी सक्सेस के फॉर्मूले बताते हैं।
तो कहीं ना कहीं पहले सीईपी होता था, वो महीने में एक वीडियो मिलता था। माँ गुरु जी ने सीईपी का बाप लेकर के आ गए, डेली एक वीडियो मिलता है। जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफलता की चाहत रखता है, वो जो सीखने का प्यासा है, मैं बोलता हूँ उस बंदे को इस चैनल पे आना चाहिए, माँ गुरु जी ग्रेवाल साहब के चैनल पे आना चाहिए। रोजाना एक से धमाकेदार वीडियो, माँ गुरु जी की यूनिवर्सिटी में से पढ़े हुए स्टूडेंट इस चैनल पे आते हैं, जो माँ गुरु जी से सीखा और वही सब चीजें आज वो उन्होंने अपनी जिंदगी में अप्लाई करी हैं और आज इतनी बड़ी सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जानने का, समझने का, सीखने का उनसे मौका रहता है। और मैं कहूंगा कि आने वाले टाइम में 2022 में ये चैनल पूरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने के लिए जाएगा। 100% हम इस टारगेट को पूरा करेंगे और ये हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी का काम करेगा। इसमें ढेर सारे इस तरीके के लीडर्स आ रहे हैं, जो सारी अपने 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 आइडियाज और अपने अपने अनुभवों को और अपनी जिंदगी की सफलताओं को जो रख रहे हैं, वो हम सब लोगों के लिए बहुत बहुत सारी सफलता लेकर के आएगा। और दोस्तों, मैं माँ गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निरंतर माँ गुरु जी ने इसको, मतलब बिना कभी भी देरी के, 6:25 होते तुरंत ये चालू हो जाता है, 6:30 पे हम लोग इस पर लाइव होते हैं और माँ गुरु जी नॉन स्टॉप लगातार कहीं भी देश के कोने कोने में माँ गुरु जी अलग अलग जगह पर कमिटमेंट रहता है, मीटिंग करने के लिए जाते हैं। इसके बावजूद भी माँ गुरु जी नॉन स्टॉप बिना रुके बिना थके हमेशा इसको लाइव पैनल को लेकर के आते हैं। मैं चाहूंगा ग्रेट माँ गुरु जी के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए इस कमिटमेंट के लिए और इस मेहरबानी के लिए कि माँ गुरु जी आपने इतना दमदार पैनल बनाया और इस तरीके का हम लोगों के लिए लर्निंग सिस्टम क्रिएट किया है। हम आपके बहुत तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इस पैनल पर दोस्तों, मेरे से पहले मेरे ग्रेट मेंटर्स और मेरे तमाम साथी और मेरे टीम लीडर्स ऑलरेडी इस चैनल पर आ चुके हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे वो लोग बात कर चुके हैं और बहुत ही मेरे से भी बेहतर तरीके से वो एक एक चीज के बारे में पहले आपको बहुत सारे आइडिया दे चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं यहाँ किसी भी आइडिया को ओवररूल नहीं करूंगा, मैं किसी भी चीज को, मैं ऐसा नहीं है कि मैं वो वाली चीज खराब है, मैं उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाऊंगा उन्हीं चीजों को करने से, क्योंकि कोई बार बार नई चीजें करने की जरूरत नहीं होती, सेम मतलब चीजें हैं, उन्हें बस सही तरीके से करने की जरूरत होती है और बस मेरा क्या तरीका रहा है उन्हीं कामों को करने का जो ग्रेट मेंटर्स ने मुझे सिखाए, मैं वो तरीके को आप लोगों के बीच में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और बिल्कुल जो चीजें पहले से आप लोगों को सिखाई जा रही हैं आपके एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन के द्वारा, वही सब चीजें हैं, मैं भी वही बातें कहूंगा, कोई नई बात नहीं है। तो कोई भी बात शुरू करें, सबसे पहले अभी हम लोग 21वीं सालगिरह अपनी कंपनी की सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरा भारत वर्ष के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग मीटिंग्स में मैं सैकड़ों बार केक कटिंग कर चुका हूं। हम लगातार अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, कभी ऑनलाइन जूम मीटिंग्स में, कभी कहीं हम लोग ये केक सेरेमनी कर रहे हैं और ये लगातार हम लोगों का 22 जनवरी तक कंटिन्यू ये सेलिब्रेशन रहने वाला है और लगातार हम लोग ये कंपनी का 21वां सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है क्योंकि जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी तब हमें मालूम नहीं था कि हम किस डाल पर झूला डाल रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमने जिस कंपनी के अंदर कदम रखा था, जिस कंपनी के अंदर हमने शुरुआत करी थी, वो आज 21 वर्ष पूरे कर चुकी है और 22वें साल में एंटर कर चुकी है और हमें इस बात का 100% भरोसा है ये आने वाले 100 साल भी ऐसे ही पूरे करेगी, 200 साल भी ऐसे ही पूरे करेगी और आने वाले टाइम में 500 साल भी ऐसे ही पूरे करने वाली है। हमें गर्व है हम पूरे के पूरे मैनेजमेंट का, शेप्स ऑफ कंपनी के पूरे डायरेक्टर्स का हम बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार करते हैं, इतनी दमदार नायाब कंपनी में हम लोगों को काम करने का मौका मिला। साथी दोस्तों, आज हम लोग 2022 में एंटर करने जा रहे हैं, 2022 का पहला दिन है और मैं आप सब साथियों को दिल की गहराइयों से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये आने वाला 2022 आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपकी टीम के लिए मंगल कामना करता हूं, ऐतिहासिक हो, आपके ड्रीम पूरे करने वाला हो। इस 2022 में आप 2020 और 21 में जो नहीं कर पाए वो अकेले 2022 में करें, अगले एक साल में पूरे 3 साल की भरपाई करके दिखाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों, 2022 सेफ शॉप का साल होने वाला है दोस्तों और हम सबका साल होने वाला है, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। साथ ही मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, साल बदल रहा है तो चाल भी बदलनी चाहिए क्योंकि 2020-21 में हम लोगों के काम करने के तरीके बदल गए थे। हम लोग कहीं ना कहीं हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा लेकर के काम किया, हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किया,
लेकिन अब हम लोगों जब 2022 में एंटर करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कमिटमेंट में भी बदलाव आना चाहिए। अगर हमारा कमिटमेंट सेम रहेगा, हमारे चाल चलन सेम रहेंगे, हमारा काम करने का स्टाइल ही सेम रहेगा तो 2022 में भी कुछ नया नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये बोली जाती है कि कैलेंडर बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। तो कैलेंडर तो हर साल ही बदलता है और इस साल एक नया कैलेंडर आपके सामने है, लेकिन अगर हालात बदलेंगे तो आपका कमिटमेंट जब बदलेगा, आप जब अपने आप को बदलोगे तो निश्चित रूप से हालात बदलने वाले हैं दोस्तों। और मुझे 100% भरोसा है कि आज इस पैनल पर जितने भी लीडर हैं और जो लोग आज YouTube लाइव में रहे, वो सभी लीडर आज कुछ ना कुछ ऐसा नया इरादा जरूर बनाएंगे कि जो अब तक मेरे से छूट रहा था, अब तक जो कमियां थी, मैं उनको 100% बदल के रहूंगा। 2022 न्यू ईयर ही नहीं, मैं भी अपने आप को बिल्कुल एकदम नया बनाऊंगा। न्यू यू, न्यू ईयर के साथ आप भी बिल्कुल नए होने चाहिए, ये कमिटमेंट होना चाहिए दोस्तों। आज अगर हम लोग इस साल में देख रहे हैं, हमारी कंपनी सेफसॉप कंपनी बिल्कुल नए अवतार में आ चुकी है दोस्तों। मैं देख रहा हूँ हमारी कंपनी ने, मैं 17 साल से कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, कहाँ से हम लोगों ने शुरुआत करी और आज हम लोग कहाँ तक आ गए। एक कंपनी के छोटा सा एक ऑफिस हुआ करता था, कुछ लिमिटेड लोगों के स्टाफ के साथ में कंपनी की शुरुआत हुई थी, कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास हुआ करते थे। मेरे सामने जब भी मैंने स्टार्ट किया था तभी सूट का पैकेज आया था, मैंने सूट लेकर के ज्वाइनिंग ली थी, मेरे सामने साड़ी का पैकेज आया और बहुत सारे पैकेज लॉन्च हुए, इंश्योरेंस के पैकेज आए, इंश्योरेंस में भी कई डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज आई, वॉशिंग मशीन का पैकेज आया, टीवी का पैकेज आया और बहुत सारे पैकेज आए, कैमरा का पैकेज आया। और आज हमारी कंपनी 250 से ज्यादा प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में काम कर रही है और कंपनी की एक ही पॉलिसी है, मोर प्रोडक्ट मोर सेल। हमारा एसोसिएट अगर फील्ड में जाता है, किसी के घर में जाता है, तो वो वहां से खाली हाथ नहीं आना चाहिए, वो चाय पत्ती, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया कुछ न कुछ वहां देकर के आएगा। हम लोग बोलते थे शुरू में कि आने वाले टाइम में हम इन सब चीजों की सेल करेंगे, आज वो सब चीजें हमारी कंपनी लेकर के आ चुकी है। हमें गर्व है, कंपनी ने अपनी हर एक चीज के अंदर बदलाव किया है, चाहे वो डिस्पैच सिस्टम हो। पहले कोई एक समय हुआ करता था, कुरियर कंपनी वालों की ब्लैकमेलिंग चलती रहती थी, 2-2 महीने तक पैकेज का पता नहीं चलता था, लेकिन आज हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि आप एक पैकेज अमेजन फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करो और पेटीएम पे ऑर्डर करो और एक पैकेज आप सेफसॉप पे ऑर्डर करो, पहले सेफसॉप कंपनी वाला डिलीवर होगा दोस्तों, पहले सेफसॉप कंपनी वाला डिलीवर होगा। आज हमारी कंपनी ने दमदार कस्टमर केयर सिस्टम बना दिया, चैटबॉट सिस्टम दे दिया, आप सबको पर्सनल असिस्टेंट काव्या भी दे दी, आपके हर एक काम को तुरंत निपटाने के लिए आपके साथ में है, आपकी हर एक समस्या का समाधान करने के लिए। कंपनी ने एक एक चीज के ऊपर पूरी दमदारी के साथ में काम किया दोस्तों, मैं एक एक चीज की बात कर रहा हूं। कंपनी ने कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया है और कंपनी बिल्कुल एकदम बब्बर शेर की तरह कंपनी अभी इस समय हाजिर है। बस अभी हम लोगों को नया रूप धारण करने की जरूरत है। 2022 हम लोगों का है, सेफसॉप का है और बिल्कुल आने वाले समय में हम पूरी दुनिया में नंबर वन का कमिटमेंट लेकर के काम करेंगे। 2022 में हम लोग बहुत बड़ा इतिहास लिखने वाले हैं। सेफसॉप अपने आप को बदल चुकी है और कितने सारे बदलाव किए हैं, कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग सिस्टम भी चालू हो चुका है, हर शुक्रवार के दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी होती है 11 से 1 के बीच में। कंपनी की एक एक चीज के बारे में बताया जा रहा है, हमारे चैनल पार्टनर्स के बारे में बताया जा रहा है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, किस स्टैंडर्ड्स पे हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सारी चीजें बताई जा रही है। कंपनी कहाँ कहाँ चैरिटी कर रही है, कहाँ कहाँ सोशल सर्विसेज में हिस्सा ले रही है उसके बारे में बताया जा रहा है, कंपनी एजुकेशन के लिए क्या काम कर रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। आप ज्यादा जानकारी के लिए कंपनी के यूट्यूब चैनल से जुड़िए, वहां पर लगातार अपडेट मिलते रहते हैं, लगातार चीजें कंपनी वहां पर अपडेट करती रहती है। जब हम लोग उस पर जाएंगे तो हम लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने अपना काम कर दिया है और हम इसके लिए पूरे के पूरे अपने डायरेक्टर्स को, हमारी 5 पावर्स को, 5 महाशक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमें इतनी दमदार, महान और पावरफुल कंपनी बना करके देने के लिए। आपका सर तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कहीं ना कहीं दोस्तों आज हम इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने ग्रेट मेंटर्स का। अगर ग्रेट महागुरुजी लोग नहीं होते तो आज इस बिजनेस में हम लोग नहीं होते। महागुरुजी लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, खाली ज्वाइन नहीं किया, इस बिजनेस को आंदोलन बना करके किया। आज इस बिजनेस में तमाम उतार चढ़ाव, इधर उधर, चाहे चीजें कैसी भी रही,
लेकिन माँ गुरुजी लोगों ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई। मैं सल्यूट करता हूँ अपने ग्रेट मेंटर माँ गुरुजी राजीव चतुर्वेदी सर को, ग्रेट मेंटर माँ गुरुजी श्री संजय जैन सर को, कि आप न होते तो गुरुजी आज हम लोग नहीं होते। आपके दिए हुए संस्कारों की वजह से हजारों लाखों करोड़ों परिवारों में खुशियां आ रही हैं, उनके घर के चूरे जल रहे हैं, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। आप लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। आपने जिस संकल्प के साथ में शुरुआत करी, आपने जिस कमिटमेंट के साथ में शुरुआत करी, उसकी बदौलत आज हम सब लोग इस बिजनेस में इन ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। 2022 में आपके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही दोस्तों, मैं उन अपने ग्रेट मेंटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिनकी बदौलत आज ये प्रोडक्ट आज आपके सामने है। ये तीन महान हस्तियां हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेकर के आए और इस बिजनेस में मुझे इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मैं सबसे पहले नाम लेता हूं ऐसी एक महान हस्ती जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरे सम्मान के साथ जिनका नाम लिया जाता है, वो कोई और नहीं, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके दिलों की धड़कन माँ गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर है। माँ गुरु जी की सफलता सिर्फ अपने लिए तक सीमित नहीं है, माँ गुरु जी की जो सक्सेस स्टोरी है, माँ गुरु जी के जो आज किए हुए कारनामे हैं, उनकी बदौलत न जाने कितने लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया है। माँ गुरु जी की एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक लफ्ज में वो जादू है दोस्तों। आज भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कल शाम को भी एक फौजी साहब मेरे सामने आकर के बैठे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फौजी साहब को बस माँ गुरु जी की 15 मिनट वीडियो दिखा दिया और उसके बाद मेरा सारा काम ओके हो गया। माँ गुरु जी की बातों में वो जादू है, माँ गुरु जी की सफलता में वो जादू है दोस्तों। अगर माँ गुरु जी ने इतनी बड़ी सफलता नहीं ली होती, आज करीबन करीबन मेरी 20 लाख की टीम है और उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी भी चीज का रहा, माँ गुरु जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा हमारे साथ रहे, सूक्ष्म रूप से साथ में रहे। माँ गुरु जी का सिर्फ वीडियो हम लोगों को इतना हमेशा से शुरू से कॉन्फिडेंस रहता था, प्लान दिखाने के बाद कैसे भी करके माँ गुरु जी का वीडियो चल जाए, बस उसके बाद में हमारा काम हो जाता था। और उसको वीडियो को चलाने के लिए आज तो हमारे पास लैपटॉप है, लेकिन वो भी एक समय था कि माँ गुरु जी का वीडियो चलाने के लिए हम स्क्रीन वाला डीवीडी प्लेयर रखते थे। डीवीडी प्लेयर रखने का हमारा और कोई मकसद नहीं था, सिर्फ एक ही मकसद था कि ग्रेवाल सर का वीडियो चल जाना चाहिए उसमें, और उसको हम रखते थे। उसके बाद में जैसे तैसे करके बजट बनाया, माँ गुरु जी के आशीर्वाद से लैपटॉप मिला, और लैपटॉप मिलने के बाद में फिर अपना एक ही काम रहता था, सिर्फ माँ गुरु जी का वीडियो चलाना। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, माँ गुरु जी की जो सफलता और सफलता की कहानी ने कितने सारे लोगों को इस बिजनेस में लाने का काम किया, आज कितने सारे आर्मी पर्सन को इस बिजनेस में कितनी बड़ी ऊंचाइयों पे, आज मैं अपनी टीम में देखता हूं आज इतने बड़े बड़े मुकाम को हासिल किया है। हमारे आर्मी के बैकग्राउंड से शैलेन सर, विकास सर, ओमवीर सर, सोमा शंकर जी, शंभू जी, बहुत सारे लोग, आरबी पाल जी, डीबी पाल जी, तमाम लोग हमारे इस बिजनेस के अंदर आए और आज वो करोड़ों करोड़ रुपए की गाड़ियों में चल रहे हैं। उसका श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है, उनको प्रेरित करने का श्रेय अगर किसी एक शख्सियत को अगर मैं देना चाहूं, वो दूंगा माँ गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब को दूंगा। उन्हीं की बदौलत इतने सारे लोगों को प्रेरणा मिली। माँ गुरु जी से मिलाने के लिए मैं, माँ गुरु जी की ट्रेन अगर कभी जोधपुर से होकर के गुजरती थी, कभी अगर आगरा या मथुरा से होकर के गुजरती थी, 2 मिनट का भी अगर स्टॉपेज मथुरा में ले रही है, तो प्लेटफॉर्म पर मैं अपने फौजी टाइगरों को लेकर के खड़ा होता था और माँ गुरु जी ट्रेन में से खड़े खड़े भी हाथ हिला देते थे। मैं ये वही वाले सर है जो मैंने आपको सीडी में दिखाया था और आप लाइव देख लो, पर इतने मात्र से काम हो जाता था। माँ गुरु जी का ऑरा इतना तगड़ा है, मैं गुरु जी मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपका कितना शुक्रिया अदा करूं, दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इतनी बड़ी सफलता ली गुरु जी, आपने ऐसा रास्ता, ऐसा हाईवे बना करके दे दिया है, बस अपना कुछ नहीं है, बस टॉप गियर में टपाटप गाड़ी चल रही है धुआंधार, आपके बनाए हुए रास्ते पे हम लोगों का कुछ नहीं है माँ गुरु जी, सिर्फ आपके बनाए हुए रास्ते की बदौलत है। और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब रहे, मेरे हमेशा से बड़े भाई, मेरे पिता तुल्य, मेरे साथी, दोस्त, हम सफर, सब कुछ मैं अगर क्रेडिट दूं, वो एक ही एक शख्सियत के अंदर सारे रिश्ते मुझे नजर आते हैं और वो कोई और नहीं, मेरे रोल मॉडल, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे सबसे ज्यादा केयर करने वाले और मुझे इस बिजनेस में प्रमोट करके यहाँ तक लाने वाले, जसवीर को जसवीर बनाने वाले कोई और नहीं, माँ गुरु जी श्री माधव सर है। मैं माँ गुरु जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ माँ गुरु जी का कि मुझे इस बिजनेस में लेकर के आए और इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मेरा पग पग ख्याल रखने वाले, हर क्षण हर पल, सबसे पहली कॉल अगर मेरी किसी को होती है तो वो माँ गुरु जी श्रीमान श्री विजयपाल सर को होती है, आखिरी कॉल अगर कोई होती है दिन की तो माँ गुरु जी श्री विजयपाल सर को होती है। मैं दिन भर में क्या करता हूँ मेरी पत्नी को पता हो ना हो, लेकिन एक शख्सियत है जिनको हर पल हर क्षण की मेरी खबर रहती है, वो माँ गुरु जी श्री विजयपाल सर है। ये तीनों ग्रेट मेंटर्स हैं जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ, मेरी सारी सफलता आप सब, आप तीनों ग्रेट मेंटर्स को समर्पित है। आपके आशीर्वाद की बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ और आज आप लोगों के बीच में बातचीत कर पा रहा हूँ।
दोस्तों मैं कहीं ना कहीं एक बात के साथ अपनी बात को शुरुआत करूंगा। कंपनी ने अपने बदलाव कर लिए, हमारी मेंटरशिप ने बहुत सारे बदलाव कर दिए, अब कुछ बदलाव हमें भी करने होंगे। हम बार बार कंपनी में तो ईमेल भेजते रहते हैं कि ये वाला सुधार होना चाहिए, पैकेज में ये इंप्रूवमेंट करो, पे आउट में ये इंप्रूवमेंट करो, सर्विस में ये इंप्रूवमेंट करो, फलाने में ये इंप्रूवमेंट करो। कई लोगों की सांस फूल जाती है कंपनी को लेकर के, अप्लायंस को लेकर के, इतना इंप्रूवमेंट के लिए बोलते रहते हैं, लंबी लंबी ईमेल करते हैं, लंबे लंबे पत्र लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा कुछ चेंजमेंट हमें भी अपने अंदर करने की जरूरत रहेगी। ये तो महान कंपनी है, महान अप्लायंस है, जो कभी एक ईमेल हमारी तरफ नहीं करते। एक ईमेल हमारी तरफ भी आ जाए कि क्या हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, क्या हमने जो हमें हमारी कंपनी की वजह से रिकॉग्निशन लेवल, जो हमें आज हमारी कंपनी की वजह से जो मान सम्मान, जो पैसा इज्जत शोहरत मिला है, क्या हम उसकी वाजिब कीमत चुका रहे हैं। आज के टाइम में अगर भाई साहब देखा जाए ना, अगर बंदे को 20,000 रुपए महीने की नौकरी मिलती है तो 8 घंटे का 30 दिन के लिए कमिटमेंट होता है, सूसू करने के लिए भी जाता है तो बिना परमिशन के उस कुर्सी से हिल नहीं सकता बंदा, इतने जबरदस्त कमिटमेंट के साथ में नौकरी चलती है 20,000 की। और इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो लाखों रुपए के सपने लेकर के आते हैं, जब मर्जी आए, जब जन्मदिन, जब मर्जी आए जब मुंडन, जब मर्जी आए जब शादी, जब मर्जी आए जब होली, जब मर्जी आए जब दिवाली, अल्लाह साहब अपनी मर्जी से चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कमिटमेंट में हमें भी बदलाव करने होंगे। सारे बदलाव कंपनी की तरफ से नहीं, सारे बदलाव अपलाइन की तरफ से नहीं, कुछ बदलाव अपने अंदर भी होने चाहिए। अगर 2 लोग 3 किलोमीटर के फासले पर खड़े हैं, अगर एक सामने वाला व्यक्ति 2.5 किलोमीटर चल के आ चुका है तो 500 मीटर हमें भी अपनी तरफ से चल के जाना पड़ेगा। सारी चीजें कंपनी की तरफ से नहीं, कुछ बदलाव हमें भी करने पड़ेंगे। मैंने कमिटमेंट लिया है 2022 एक नया तस्वीर सबके सामने होगा। अब तक मैंने 17 साल में जो कुछ भी किया, जो भी मेहनत रही, जो भी मेरा कमिटमेंट रहा, अगर मैंने सारे कमिटमेंट और सारी मेहनत के अगर रिकॉर्ड न तोड़ दिए तो मेरा नाम जसबीर नहीं। मैं रिलेशन में बदलाव लेकर के आऊंगा, अपनी मेहनत में बदलाव लेकर के आऊंगा, अपने एटीट्यूड में बदलाव लेकर के आऊंगा। जिन लोगों से अब तक मेरी नहीं बनी, मैं उन लोगों के साथ में बनाऊंगा। जहां आज तक मैं अपनी टीम के पास नहीं गया, मैं अब उनके पास में जाऊंगा। जो मीटिंग आज तक मैंने नहीं करी, मैं वो वाली मीटिंग करके दिखाऊंगा। मैं हरेक तरीके के कमिटमेंट, हरेक तरीके के बदलाव के लिए तैयार हूं, और ये संकल्प आज इस पैनल पर जुड़े हुए एक एक लीडर को लेना है। बदलाव की जरूरत हमें भी है, चेंज की जरूरत हमें भी है। बदलाव होगा तभी हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आज मुझे जो टॉपिक दिया है, मेरे से पहले मेरे कई सारे साथी इस टॉपिक पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो इस बिजनेस के लेजेंड हैं, धुरंधर हैं। टारगेट करना मैंने उन लोगों से सीखा है। महागुरुजी श्रीमान श्री विजयपाल सर ऑलरेडी आकर के इस पैनल पे बात कर चुके हैं, मैं उन्हीं की भाषा बोलूंगा, मैं उन्हीं लोगों के द्वारा दिए हुए ज्ञान की बात करने वाला हूं, और मैं आप लोगों को भी मैं आज इसी टारगेट से रिलेटेड कुछ बातें करूंगा कि टारगेट जो आज हमारी कंपनी ने दिया हुआ है, हम इस टारगेट पर फोकस करके डायमंड शिप को कैसे हासिल कर सकते हैं। अब की बार ऑप्शन 4 घूमने चलो यार, कंपनी ने इंग्लैंड, दुबई, थाईलैंड और गोवा 4-4 ऑप्शन हम लोगों को दिए। ये 5 दिसंबर से लेकर के 9 मार्च तक का चलने वाला दमदार, जबरदस्त, धुआंधार वाला टारगेट हमारी कंपनी ने हम लोगों को दे दिया है। टारगेट का क्या महत्व है और टारगेट कैसे होता है दोस्तों, इस बिजनेस में मैं आज जहां तक पहुंचा हूं, मैंने टारगेट पर फोकस करके ही मैंने काम किया। आज मेरी टीम अगर पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन कर रही है, उसके पीछे अगर एक चीज का मैं अगर कहूं कि मेरी टीम में सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो मैं कहूंगा मेरी टीम एक काम करती है, टारगेट की पूंछ उखाड़ती है, टारगेट पर लगातार काम करती है। ट्रिप कोई भी हो, लेकिन बंदे सबसे ज्यादा जसबीर की टीम के होंगे, ये हमेशा से इरादा रहा है और हमेशा रहेगा। इसी कमिटमेंट के ऊपर काम किया है, और वो एक ही वजह के हमारी टीम सबसे ज्यादा टारगेट पर फोकस करती है, और टारगेट की बदौलत ही आज हम लोग यहां तक आए। तो टारगेट हमारी जिंदगी में क्या महत्व तो रखता है, हम लोगों को टारगेट क्यों अचीव करना चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है आज हम जहां कहीं भी पहुंचे हैं अपनी जिंदगी में, आज हम जो कुछ भी बने हैं, हम लोगों ने कल जो टारगेट सेट किए थे, हम उसी की बदौलत आज जो कुछ भी बने हैं, उसी की बदौलत बने हैं दोस्तों। और आने वाले समय में भी हम वही बनेंगे जो हम आज टारगेट सेट करेंगे। कल अगर हमने कुछ भी टारगेट सेट नहीं किया तो आज हम कुछ भी नहीं बने, अगर हमने कल कुछ टारगेट सेट किया तो आज हम कुछ बने हैं। आने वाली जिंदगी भी हमारी टारगेट के हिसाब से जाने वाली है। अगर हमारी जिंदगी के कुछ टारगेट होंगे, कुछ हमारे उसूल होंगे, हमारी जिंदगी के कुछ नियम होंगे, कुछ कायदे होंगे, तो हमारी जिंदगी किसी डेस्टिनी पर जाएगी। और राम भरोसे हिंदुस्तान चल रहा है, कोई टारगेट नहीं है, जो मिल जाए बाबा जी का डावा है, दे दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला,
तो फिर मालूम नहीं जिंदगी जान ले चलो चलो वहीं पहुंच जाएगी, मालूम नहीं। आपको सोचना है, आपको विचार करना है, खुली आंखों से देखना है। 2022 आ गया भाई साहब, आने वाले समय में आपकी जिंदगी कहां होगी, कहां होंगे आप अपने जीवन में, अपने आप से ये सवाल करो। आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो ये बेरोजगार सेना, बेरोजगार हो तो बेरोजगार सेना से जुड़ो, नारे लगाओ, रैलियों में जाओ, हमें रोजगार दो। एक भविष्य ये भी हो सकता है हमारा। और दूसरी, अगर हम चाहें तो हमारा दूसरा भविष्य ये भी हो सकता है कि अगर हम कमिटमेंट लें और कुछ टारगेट सेट करें तो हमारी जिंदगी यहां भी हो सकती है, हमारी जिंदगी यहां भी हो सकती है, हमारी जिंदगी यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, और हमारी जिंदगी यहां भी हो सकती है। आपको फैसला करना है कि आप आने वाले 5 साल में 10 साल में आपकी जिंदगी कहां होगी। वो बेरोजगार सेना में, वहां पर जाकर के नारे लगाने में, या फिर आपकी भी गैरेज के अंदर इस तरीके की गाड़ियों के अलग अलग मॉडल खड़े होंगे। जिंदगी आपकी है, फैसला आपको करना है। विचार दिमाग में आता है तो कैसे और कहां से होगा, तो ज्यादा विचार करने की सोचने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह है जहां से होगा और वो है सेफ शॉप। सेफ शॉप से ही होगा, यहीं से होगा। दोस्तों मैंने साइकिल से शुरुआत किया, मेरी जिंदगी में BMW आई है, आपकी जिंदगी में भी आएगी। कैसे होगा, एक ही काम करने से होगा, टारगेट सेट करो और टारगेट का पीछा करो। टारगेट करने से ही होगा, टारगेट करने से ही होगा दोस्तों। टारगेट स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, 1 महीने का समय टारगेट में निकल गया है। 5 दिसंबर से लगातार टारगेट चल रहा है, 9 मार्च तक ये टारगेट चलने वाला है। बिजनेस वॉल्यूम आपकी आईडी पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यहां मैंने कुछ लेवल तक के, प्लेटिनम लेवल तक के यहाँ स्क्रीनशॉट में लगाए हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए आपको कौन सा टारगेट क्वालिफाई करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कितने बिजनेस वॉल्यूम करने, और वो मोटे मोटे अक्षरों में आपके सामने वो लिखे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको लेफ्ट में कितने बिजनेस वॉल्यूम करने और राइट में कितने बिजनेस वॉल्यूम करने, आपको पता होना चाहिए। आज अगर हम टारगेट की बात करें तो कंपनी इंग्लैंड लेकर के जा रही है, मैं तो इंग्लैंड के लिए तैयार हूं और मेरी पत्नी भी तैयार है, हमने तो अपना पासपोर्ट जमा कर दिया है, दूसरा वाला आपके लिए खाली है। आपको सोचना है, आप चल रहे हैं इंग्लैंड, अप्रैल में टूर जाने वाला है, हम तो बिल्कुल रेडी हैं, हमारे ग्रेट मेंटर्स भी रेडी हैं, आप भी अपना पासपोर्ट तैयार कर लो। अगर मैं इस टारगेट की बात करूं, अगर हम टारगेट पर फोकस करके काम करें, जैसा किसी भी एक फ्रेशर व्यक्ति के लिए गोवा का टारगेट दिया है, अगर कोई भी टाइगर इस टारगेट पर फोकस करता है, 6000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में, 6000 बिजनेस वॉल्यूम अगर वो राइट में करेगा, मतलब कहने का 30 फुल सेल अगर वो करता है, तो कहीं ना कहीं इसमें उसकी 2 रैंक कंप्लीट हो रही है, गोवा का टूर कंप्लीट हो रहा है और सिल्वर का लेवल कंप्लीट हो रहा है। तो उस बंदे की इनकम जो होगी टारगेट को क्वालिफाई करने से, 50,000 रुपए की इनकम आ रही है और गोवा का टूर मिल रहा है और सिल्वर का लेवल मिल रहा है। तो टारगेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो छोटे बच्चों वाला टारगेट है, असली टारगेट तो जो दमदार टाइगर है उनके लिए विदेश वाला है। मात्र 38.5 फुल सेल कंप्लीट करने से 7700 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 7700 बिजनेस वॉल्यूम राइट में। अब तक के जितने टारगेट आए सबसे कम पे कंपनी ने विदेश यात्रा का टारगेट दिया है। 48, 50, 52 फुल सेल कंप्लीट करने पे विदेश यात्रा का टारगेट मिलता था, इस बार 38.5 पे ही कंपनी ने थाईलैंड जाने का मौका दिया है। और इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को 58,000 रुपए की इनकम भी मिलने वाली है, हमारी 2 रैंक भी कंप्लीट हो जाएंगे, उस सिल्वर का लेवल भी डन हो रहा है। तीसरा टारगेट जो हमारी कंपनी ने हमारे लिए दिया दमदार, दुबई और अबू धाबी का। और इस टारगेट के लिए 60 फुल सेल मात्र करने से हम लोगों को दुबई एंड अबू धाबी जाने का मौका है। एक बार जिंदगी में दुबई जरूर जाना चाहिए हम लोगों को। अगर दुनिया को देखना है कि आज दुनिया कहां तक पहुंच चुकी है, दुनिया क्या क्या डेवलपमेंट कर चुकी है, तो एक बार अपनी जिंदगी में दुबई जाने का टारगेट सेट करो। और ये टारगेट करने से लगभग 80,000 रुपए की इनकम भी आने वाली है और साथ में हमें दुबई और अबू धाबी का टूर भी मिल रहा है। और सबसे बढ़िया और हमारा फेवरेट टारगेट जो हमें हमारी कंपनी ने दिया है वो है इंग्लैंड का। अगर हम इंग्लैंड के टारगेट पर फोकस करके काम करते हैं तो इसमें हमारी 3 रैंक कंप्लीट हो रही है, प्लेटिनम का लेवल कंप्लीट हो जाएगा और इंग्लैंड का हमारा टारगेट कंप्लीट हो रहा है, 1,32,000 रुपए की इनकम हमारी यहाँ पे आने वाली है। तो टारगेट के रिवार्ड बहुत जबरदस्त हैं, हमें बस सिर्फ इस पे फोकस करने की जरूरत है। अगर हम फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा टारगेट हासिल होगा।
टारगेट होता कैसे है। टारगेट कोई भी होता है, टारगेट की हमें पहले इंपोर्टेंस पता होनी चाहिए, उसका महत्व तो पता होना चाहिए। टारगेट हमारे लिए जरूरी कितना है। हम इस संसार में आए, हम में से किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी का मूल्य नहीं मालूम, हमारी जिंदगी का क्या मूल्य है हमें हम में से किसी को मालूम नहीं। कोई प्राइस टैग नहीं लगी हुई है हमारे ऊपर, कोई MRP नहीं लिखी हुई है कि आपकी जिंदगी 1 करोड़ की होगी, आपकी जिंदगी 70 लाख की होगी, कि आपकी जिंदगी 1.5 करोड़ की होगी, कि 2.5 करोड़ की होगी। हम में से किसी के ऊपर भी कोई प्राइस टैग नहीं लगा हुआ। हमारी जिंदगी के टारगेट ही हमारी जिंदगी का मूल्य बताते हैं। हमने अपनी जिंदगी में जैसे टारगेट सेट किए हैं वैसे ही हमारी जिंदगी का मूल्य होने वाला है। जीवन सबको सेम मिला है। भगत सिंह भी इस दुनिया में आए, उस समय हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे और वो लोग भी इस दुनिया से चले गए। ऐसा नहीं है भगत सिंह ही अकेले इस दुनिया से गए, हमारे गांव में जो लोग पैदा हुए वो भी लोग चले गए दुनिया से। लेकिन आज भगत सिंह का नाम पूरे सम्मान के साथ में लिया जाता है, उनके नाम से चौराहे बनते हैं, सड़क बनती है। और हमारे गांव में जो खन्ना बुद्धा मुन्ना पप्पू पैदा हुए उनको कोई नहीं जान रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस दुनिया में आए, इसी दुनिया के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए, इसी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी भी हैं, इसी दुनिया के अंदर आप भी हैं। आपकी जिंदगी का मूल्य आपके टारगेट तय करेंगे। कई लोगों की जिंदगी का टारगेट क्या होता है, सुबह रोटी खा ली, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना, बस यही टारगेट है। सिलेंडर भरवा के लाना ये टारगेट है, बच्चों की स्कूल की फीस जमा करनी ये टारगेट है, टीवी सीरियल देखने ये टारगेट है, क्रिकेट मैच देखना ये टारगेट है, ताश खेल करके 4 बाजी जीतनी ये टारगेट है। जैसे टारगेट होते हैं वैसी जिंदगी होती है दोस्तों। अपनी जिंदगी के टारगेट के बारे में सोचिए, जैसा टारगेट होगा वैसा जीवन होगा। आज तक कभी भी आप याद रखिए, क्रिकेट देखने वाले के नाम से कभी कोई स्टेडियम नहीं बना। यार हर IPL मैच को देखता था। टीवी सीरियल देखने वालों के नाम से कभी रोड नहीं बनी, ज्यादा ताश खेलने वालों के नाम से कभी चौराहे नहीं बने। कुछ बड़े टारगेट जो लोग अपनी जिंदगी में सेट करते हैं उन्हीं के जीवन में कुछ नाम होता है। और मैं आपसे देश के लिए, दुनिया के लिए वो वाले टारगेट सेट करने की बात नहीं कर रहा, सरदार भगत सिंह के जैसे टारगेट सेट करने की बात नहीं कर रहा, सुभाष चंद्र बोस जी के जैसे टारगेट सेट करने की बात नहीं कर रहा। मैं आपके खानदान और अपने परिवार की जिंदगी बदलने के टारगेट सेट करने की बात कर रहा हूं। आप टारगेट सेट करो आपकी बेटी की शादी कितने बजट की होगी। मैं टारगेट सेट करने की बात कर रहा हूं कि आप अपने बच्चे को जब इस दुनिया से जाएंगे तो अपनी वसीयत में क्या क्या लिख करके देके जाने वाले, मैं उसके टारगेट की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आप अपनी पत्नी को कौन कौन सी यात्राओं पर लेकर के जाने वाले हैं, मैं उन टारगेट्स की बात कर रहा हूं। मैं शहीद होने के टारगेट सेट करने की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया बदलने के टारगेट सेट करने की बात नहीं कर रहा, मैं आपके जिंदगी के टारगेट के बारे में बात कर रहा हूं। सोचो, विचार करो आपकी जिंदगी में क्या टारगेट्स हैं, वो टारगेट्स ही आपकी जिंदगी की कीमत बनाने वाले हैं। और याद रखना, कभी भी छोटे टारगेट से बड़ा काम नहीं कर सकते। जितना बड़ा टारगेट होता है तैयारी भी उतनी बड़ी होती है। टारगेट जितना बड़ा, आदमी के अंदर पेन लेने की जो कैपेसिटी है वो टारगेट के हिसाब से बढ़ती है। अगर किसी बंदे से बोला जाए घर से 5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है और बाहर भयंकर ठंड पड़ रही है, एकदम कड़ाके की ठंड है, और आपको उस कड़ाके की ठंड में और नंगे पैर कड़कड़ाती हुई ठंड में और आपको वहां रेलवे स्टेशन जाना और वहां जाकर के आपको एक समोसा मिलेगा, क्या कोई इतनी ठंड में रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर पैदल चल के नंगे पैर वो एक समोसा की खातिर जाना चाहेगा, उस पेन को लेना चाहेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई जाएगा। लेकिन उसी कड़ाके की ठंड में और उसी 5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर जाना और नंगे पैर जाना हो, लेकिन वहां जाने से अगर एक मर्सिडीज कार मिले चमचमाती हुई, तो हम जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे? आप बताओ, क्या फिर ठंड कम हो गई क्या? क्या रेलवे स्टेशन नजदीक आ गया क्या? लेकिन सबसे बड़ी बात है, टारगेट पहले समोसा था तो क्यों पेन लेना, क्यों पंगा लेना, क्यों घर से निकलना? लेकिन टारगेट अगर मर्सिडीज का सेट हो गया तो साला अगर हमें ठंड की तो बात छोड़ो, बर्फ की सिल्ली भी सिर पर रख के जानी पड़े तो भी हम वहां पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर से निकलते हो
तो आप ये सोच के निकलते हो 500 रुपए 250 रुपए 1000 रुपए का चेक बनाने के लिए जा रहा हूं, या फिर आज एक मैं जसवीर को अपनी टीम में ज्वाइन कराने जा रहा हूं कि आज मैं एक डायमंड को अपनी टीम में ज्वाइन कराने के लिए जा रहा हूं, क्या टारगेट सेट करके निकलते हो? उसके हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज रहने वाली, उसके हिसाब से आपका काम करने का तरीका रहने वाला है। कई लोग सिर्फ ड्यूटी करने के लिए घर से निकलते हैं, अपलायन का डंडा है इसलिए घर से निकलते हैं। एक उमंग होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए कि साला मैं अपने खानदान का इतिहास लिखने के लिए घर से निकल रहा हूं। जुनून होना चाहिए, काम करने में आनंद आना चाहिए। यार मैं विदेश का टारगेट करने के लिए घर से निकलने वाला हूं, मैं खानदान का पहला बंदा ऐसा बनने वाला हूं जो फ्लाइट में उड़ेगा, फ्लाइट में। मैं तुरंत BMW नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुरंत ताना मारने वालों को लंदन ब्रिज से फोटो भेज करके मैं ये जवाब दे सकता हूं, देख तेरा भाई लंदन ब्रिज पे, कालूराम तू भी होता तो मजा आता। ये सोच करके घर से निकलना है। टारगेट जितना बड़ा होगा जुनून उतना ज्यादा हमारे अंदर आने वाला है। टारगेट करने के बहुत सारे फायदे हैं, ऑलरेडी पहले भी आपसे बहुत सारे डिस्कस किए हैं। जब आप लगातार टारगेट करते हैं तो लेवल चेंज होता है, जब आप लगातार टारगेट करते हैं जल्दी डायमंड बनते हैं। ताना मारने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलता है, विदेश यात्रा करने का मौका मिलता है, एक रेगुलर इनकम लेवल पे आप पहुंच जाते हैं लगातार टारगेट करने की वजह से। जब आप लगातार टारगेट करते हैं तो आपके बहुत सारी टीम के अंदर भी अचीवर क्रिएट होते हैं, आपका मोरल हाई रहता है। और जो बंदा टारगेट करता है उसको कभी पीला पीला नहीं दिखता, पीला पीला उन्हीं लोगों को दिखता है जो टारगेट नहीं जीते। टारगेट जीतने वाले के रेडियस में भी कोई साला नेगेटिविटी का मच्छर फड़क नहीं सकता। टारगेट जीतने वाले बंदे का चेक टनाटन रहता है भाई साहब। तो फोकस ताका झांकी में नहीं, फोकस अपनी लेग पे करो, लेग पे मेरी दोनों लेग का क्या क्या हिसाब किताब चल रहा है। और टारगेट जीतने के लिए क्या करना है, कैसे टारगेट हम जीत सकते हैं, टारगेट जीतने के लिए AAA फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। AAA फॉर्मूला, पहला ए का मतलब है एम्बिशन, बंदा महत्वाकांक्षी होना चाहिए भाई। महत्वाकांक्षी लोग ही टारगेट सेट करते हैं। जिसका खून ठंडा है, जिसको कुछ होता ही नहीं, अरे क्या लंदन क्या थाईलैंड क्या अबू धाबी, वो कभी टारगेट सेट नहीं करेगा। घोड़े को पानी दिखा सकते हैं, पिला नहीं सकते। हम आपको सिर्फ बता सकते हैं कि टारगेट करने से कितने आनंद आने वाले हैं, ये आपको सेट करना पड़ेगा भाई साहब। टारगेट आपके लिए क्या मायने रखता है, अपने आप से सवाल करो, अपने आप से सवाल करो। टारगेट जीतो और मजे करो। अगर मैं टारगेट नहीं करता, मेरी जिंदगी में कभी ये फोटो नहीं हो सकती थी। अब क्या बोलते हो इस फोटो के बारे में, एफिल टावर के सामने रेड फरारी, एफिल टावर के सामने रेड फरारी। और ये मैं गेहूं या धान बेच के नहीं गया, साला टारगेट जीत करके गया हूं, टारगेट जीत करके। और थारा भाई तो फिर जा रहा है, फिर जा रहा है लंदन, फिर आएगी एक दमदार वाली फोटो लंदन ब्रिज से। और जिसके अंदर धुआं निकलता है ना, धुआं, साला मेरी भी आनी चाहिए, वो करेगा टारगेट। ये महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। जब कंपनी का पहला टूर गया था उसमें माँ गुरुजी श्रीमान श्री नरसिंह ग्रेवाल सर और माँ गुरुजी श्रीमान श्री माधव सर उस ट्रिप में गए थे थाईलैंड के लिए, और जब माँ गुरुजी वहां की एल्बम दिखा रहे, साला मेरे अंदर धुआं निकल रहा था, धुआं। माँ गुरुजी अगली ट्रिप कब जाएगी, और अगली ट्रिप जब गई उसमें जसवीर भी था, जसवीर भी था। आपके लिए मायने क्या रखता टारगेट, आपको भी होना चाहिए था माउंट एटलस पे, आपको भी होना चाहिए। अब लोग तो जाएंगे अबू धाबी, लोग तो जाएंगे दुबई, बुर्ज खलीफा से फोटो भेजेंगे। आज जाग जाओ, भी 2 महीने बचे हैं, 2 महीने साला मीटर तान देना 2 महीने के अंदर अंदर। सबसे बड़ी चीज ठानना है, ये दिमाग में फाउंड हो जाए ना, कितने प्लान फॉलोअप ये वो डीडी कहां से, साला ऐसे ऐसे लोग हैं 24 घंटे में टारगेट किया, इस पैनल पे बैठे हैं, इस पैनल पे बैठे 24 घंटे में टारगेट किया है। दिमाग को फाउंड होना चाहिए बस, अभी टारगेट रहेगा या मैं रहूंगा, दिमाग को फाउंड होना जरूरी है। और टारगेट करने के लिए हमारा एटीट्यूड बहुत ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि जब आप टारगेट सेट करेंगे तो कई बार आपको वो परिणाम नहीं मिलेंगे जैसा आप सोचते हैं, कई बार वो लोग आपके साथ नहीं आएंगे जिन पर आपको भरोसा है, और उस समय हमारा एटीट्यूड भागने वाला नहीं, कुछ करके दिखाने वाला होना चाहिए।
करेक्ट करेंगे हम अपने आप को और नए प्रयास करेंगे। ये नहीं कि आज कभी खाली चला गया, ये दिन खाली चला गया तो बस अरे कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं है, रेटा चलाना शुरू कर देते। एटीट्यूड दमदार होना चाहिए, बब्बर शेर वाला होना चाहिए, करके दिखाने वाला होना चाहिए। बहुत सारी कहानियां ऑलरेडी आपने सुनी है। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे दिमाग में दो फोरमैन है, एक मिस्टर विजय और एक मिस्टर पराजय। कोई भी काम को लेकर के अगर आप सोचते हैं मैं ये कर सकता हूं, तुरंत विजय मिस्टर विजय एक्टिव हो जाता है और आपको भरोसा दिला देगा यस आप कर सकते। जब आपको सुबह जल्दी जगना होता है और आपने अलार्म सेट किया 5 बजे मुझे जगना है और आपने बोला मुझे जगना ही जगना है, तो मिस्टर विजय एक्टिव हो जाता है, बोलता है यस आपको जगना है, आप क्यों नहीं जग सकते, सारे लोग जगते हैं, आपको भी जगना चाहिए। सवेरे जल्दी जगने के बहुत सारे फायदे, सुबह जल्दी जगने की वजह से आप दिमाग फ्रेश रहेगा, दिन का अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे, सुबह जल्दी जगने की वजह से ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये होता है वो होता है, मिस्टर विजय आपको बहुत सारे कारण बता देगा। लेकिन अगर सवेरे सवेरे अगर आपने अलार्म सेट कर लिया और मन में आप ये सोच रहे हैं यार अलार्म तो लगा दिया लेकिन जग पाऊंगा कि नहीं जग पाऊंगा, जगना जरूरी है क्या, तुरंत मिस्टर पराजय एक्टिव हो जाएगा और आपको समझाने लगेगा अरे क्या चक्कर में पड़ा है फालतू में, अरे सवेरे जल्दी साला मुर्गा जगता है उसकी गर्दन कटती है, फलाना होता है ढिमकाना होता है, अरे एक करवट बदल और थोड़ा सोले यार, थोड़ा रजाई में घुस जा और थोड़ा ये ठंड का मजा ले और ये ले, मिस्टर पराजय एक्टिव हो गया। वो आपको समझा देगा बिल्कुल भी नहीं जगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जगना चाहिए, बिल्कुल आपकी जिंदगी को नरक में ले जाएगा, नरक में मिस्टर पराजय। जिंदगी में कुछ करना है तो इस मिस्टर पराजय को साला छुट्टी पे भेज दो, मिस्टर विजय को एक्टिव करो, मिस्टर विजय को टारगेट जीतने के कारणों को ढूंढो। आज के आज नई साल की डायरी लेकर के आओ, उसके पहले पन्ने पर लिखो कम से कम 10 कारण, ये टारगेट करने से ये होगा, 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 ये होगा, ये होगा, ये होगा, सामने रखो उसको और इरादा बनाओ उसका। इरादा, इरादा बनाने से टारगेट होने वाला है। और लास्ट का ए है एक्शन, एम्बिशन एटीट्यूड और एक्शन। एक्शन एक्शन प्लानिंग के साथ होना चाहिए। युद्ध के मैदान में जैसे जाते तो पूरी प्लानिंग होती है, वार प्लानिंग होती है पूरी, ऐसे नहीं पता चला साला मिसाइल का मुंह अपने देश की तरफ ही कर दिया, थोड़ी सा दम लबड़ा हो जाएगा। मालूम होना चाहिए दुश्मन किधर खड़ा है, पता होना चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास। कई बार हम लोग बिना प्लानिंग के लेकर के मोटरसाइकिल और घूम रहे इधर से उधर, दे 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 तना। तो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है टारगेट अगर हमें जीतना है तो हमारे पास सबसे पहले लिस्ट होनी चाहिए हमारे टीम लीडर्स की, कौन कौन लोग हैं जो इस टारगेट को जीतने में मेरी मदद करने वाले हैं, उन लोगों की जिनको मैं स्पॉन्सर करने वाला हूं, और कितने पेयर हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं, कितने बिजनेस बोले मुझे कंप्लीट करने हैं, और इसमें कौन कौन लीडर है जिससे मैं इससे कितने लूंगा, ये 1000 देगा, ये 1500 देगा, ये 2000 देगा, ये 20 दिन में इतना काम करेगा, पूरी प्लानिंग पेपर पर लिखो लेफ्ट और राइट की दोनों लेग की। और बचे कुचे जो भी रिमेनिंग बिजनेस वॉल्यूम है उसके लिए मुझे कितनी लिस्ट चाहिए और वो लिस्ट मेरे टीम लीडर्स में से किस किस के पास से निकलेगी, ये बंदा पिछले हफ्ते ज्वाइन हुआ था इसकी लिस्ट निकालूंगा, इसकी डीडी कल ही आई है इसकी लिस्ट निकालूंगा, इस बंदे की डीडी 1 महीने पहले आई थी इसकी लिस्ट निकालूंगा। कोई भी एक बंदा पूरी फौज नहीं होता, लेकिन उस एक बंदे की लिस्ट पर काम किया जाए तो उसके पीछे फौज आ जाती है। माँ गुरु जी ग्रेवाल साहब जब ज्वाइन हुए थे तो किसी बारात के साथ ज्वाइन नहीं हुए थे, वो अकेले ही आए थे, लेकिन माँ गुरु जी के ऊपर जब काम किया गया, उनकी लिस्ट पर काम किया गया, तो लाखों लोग आज माँ गुरु जी के पीछे आ गए। मैं भी अकेला ही आया था, आप भी अकेले आए, लेकिन आपके पीछे आज 1000 लोग खड़े। तो उस एक व्यक्ति की पावर कितनी बड़ी हो सकती है, उसकी लिस्ट में से कितना बड़ा धुरंधर मिल सकता है हमें मालूम नहीं। अगर टारगेट जीतना है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हमें प्रॉपर लिस्ट बनानी है, प्रॉपर दमदार पेपर वर्क जितना अच्छा होगा उतना जल्दी और उतना अच्छा हम ग्राउंड पर काम करेंगे। टारगेट जीतने के लिए पहले नजदीक की लिस्ट पर काम करो, आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं 30-40 किलोमीटर पहले वहां काम करो, पहले ली ट्रेन और चल दिए चेन्नई और दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं, एक बंदे को प्लान दिखाने 3 दिन जाने में 3 दिन आने में, तो ऐसे टारगेट नहीं होगा, पूरे महीने में 4 प्लान हो पाएंगे फिर तो। तो हमें ये देखना होगा कि कम समय में ज्यादा काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं।
ग्रुप प्लान की हेल्प ले सकता हूँ, मैं अपने प्लान की हेल्प ले सकता हूँ, वेन्यू की हेल्प ले सकता हूँ, मैं जो जो काम कर सकता हूँ वो मेरे को प्लानिंग बनानी है। और एक्शन आप सबको मालूम है, प्लान फॉलोअप एफआईएम और कोर्ट ट्रेनिंग, यही करने से टारगेट होता है। अभी कोई नई योजना नहीं आई है, सोच रहे हो 2022 में कुछ नई योजना आई है, और ये जसवीर सर आए तो कि ये कुछ ऐसी योजना बताएंगे। दोस्तों अब आ गया एक नया सुनहरा मौका, अब बिना प्लान दिखाए करो टारगेट, ऐसी योजना आई नहीं है भाई। अभी भी प्लान दिखाने से टारगेट होगा, फॉलोअप करने से डीडी आएगी, और जो डीडी आई है उनकी एफआईएम करके उनके साथ प्लानिंग बनानी है, उनको ट्रेंड करना है दमदारी के साथ, तेजी से ट्रेंड करना है लोगों को। तो तैयार हो जाइए इसके लिए, टारगेट सेट करना रोजाना का, डेली का टारगेट हम लोगों को पता होना चाहिए। जब हम लोग जिम जाते हैं तो हमें वहां पे एक प्रॉपर डाइट चार्ट मिलता है कि इसे हमें फॉलो करना है। जिम ट्रेनर हमसे पूछता है वजन बढ़ाना है कि घटाना है, उसके हिसाब से डाइट चार्ट दिया जाता है, और प्रॉपर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर एक्सरसाइज करने के लिए बताया जाता है, इस पे आपको इतना टाइम देना है, इस पे ये देना है, इस पे कार्डियो इतना करना है, ये फलाना इतना करना है, ये इतना करना है, पूरा सब कुछ वहां पे प्लानिंग रहती है और उसको फॉलो करते हैं हम, तब जाकर के बॉडी बिल्डिंग होती है। ऐसे टारगेट करने के लिए हमारा रोजाना का कमिटमेंट बहुत जरूरी है। महागुरु जी ने नारा दिया है कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज, तो ये इसको देखना पड़ेगा कि मेरा 5 से काम चल जाएगा कि मुझे 5 से ज्यादा करने पड़ेंगे, पता होना चाहिए। और अपनी टीम लीडर्स को भी सही तरीके से जिम्मेदारी देनी है, अकेले अकेले वीर बहादुर बनने से टारगेट नहीं होगा, हमारे टीम लीडर्स को भी हमें जिम्मेदारी देनी होगी, उनको भी काम पे लगाना है। और इस बचे कुछ 60 दिन 70 दिन टारगेट में बचे, इसमें 20-20 दिन के 3 टुकड़ों में इस टारगेट को डिवाइड कर लो। पहले 20 दिन का टारगेट बनाओ, अगर पहले 20 दिन में अगर हम 20 सेल निकालते हैं और अगले 20 दिन में उन 20 लोगों के साथ मिलकर के 5-5 सेल भी निकालेंगे तो 100 सेल आएंगी, और लास्ट के 20 दिन में उन 100 लोगों के साथ मिलकर अगर 2-2 सेल भी निकालनी तो हमारे पास 160 सेल हो जाएंगी। तो हम लोगों को ये प्लानिंग बनानी है कि अभी मैं आने वाले 20 दिन में 20 सेल करूंगा, उनके साथ मिलकर के 5-5 सेल करूंगा, 100 सेल आने वाली है, उनके साथ में अगर 2-2 सेल करूंगा तो 200 सेल आने वाली है। तो हमारे पास ये प्लानिंग होनी जरूरी है कि मैं अपने लेवल से क्या काम करने वाला हूं, अपनी टीम को क्या काम देने वाला हूं, और फिर उसके अगले लेवल पर जो हमारी नई टीम रिक्रूट होगी फिर उनके साथ में क्या काम करने वाला हूं। तीनों लेयर की प्लानिंग होनी चाहिए, फर्स्ट में अपना कमिटमेंट, सेकंड में अपनी टीम का, फिर उसके बाद में जो नए लोग रिक्रूट हो रहे हैं उनका। तीनों लेवल की जिम्मेदारी अगर हम सही तरीके से दे देंगे टारगेट जीतना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है, कैलकुलेशन अगर हमारी 20% की रहती है, 20% की कैलकुलेशन में हम लोगों को प्लान करने हैं, तो इसके लिए हम लोग QSE पे फोकस करें। हम जो भी व्यक्ति ज्वाइन होता है उसका 5900 रुपए का चेक बनाने पर हमारा फोकस होना चाहिए, उसका हर हाल में 5900 का चेक बनवाना है। अगर हम पहले हफ्ते में किसी भी बंदे के साथ में मिलकर के अगर हम उसको QSE बनाते हैं, पहले हफ्ते में अगर एक DD आया, दूसरे हफ्ते में उस बंदे के साथ मिलकर के 3 लोगों को ज्वाइन करा दिया, फिर तीनों लोगों को QSE बनाने पर फोकस किया, तो तीसरे हफ्ते में 9 DD आ सकती है, और चौथे हफ्ते में 9 के 9 लोगों को QSE बना दिया तो 27 सेल आ सकती है, और पांचवें हफ्ते में अगर 27 लोगों को QSE बनाया तो 81 सेल आएंगी, और छठवें वीक में अगर इन 81 लोगों को QSE बना दिया तो 243, 1.5 महीने में टारगेट डन हो जाएगा अगर QSE के ऊपर भी अगर हम काम कर लें तो। हर बंदे का 5900 का चेक, हमारा फॉर्मूला ही ये रहता था, जैसे ही बंदा ज्वाइन हुआ मेरे रूम पे आता था, मेरा फोकस रहता था लेफ्ट राइट साला जीजा से क्लियर करो, साडू पे बुलसाई मारो, सेम वीक में 3 DD, बंदा जैसे ही ज्वाइन हुआ सेम वीक में 3 DD, तमाम दुनिया भर के लोग अपनी DD के संगी 3-3 DD डल जाती थी, इसी चीज पर काम किया। और जब बंदे का आज मैं 20 लाख का चेक दिखाऊं, हो सकता है उस पर भरोसा ना हो, लेकिन जो उसका 5900 रुपए का चेक बनेगा उसके ऊपर उसको 100% भरोसा होगा, वो ठोक के बोलेगा यार मेरा चेक आया। तो जो भी हमारे नए लीडर आ रहे हैं उनकी बुलसाई पे फोकस करो। और बोलते हैं महागुरु जी, एक 42 साल का डायमंड होता है और एक 3 से 5 साल का डायमंड होता है। 42 साल वाला डायमंड कौन सा है, एक हफ्ते में 5 DD भेजेगा, महीने की 20 DD, साल की 240, 10 साल में 2400, 40 साल में 9600, 42 साल में 10,000, तसल्ली एक्सप्रेस वाला डायमंड। और दूसरा होता है 3 से 5 साल वाला,
वो क्या करेगा, पांच ड्यूटी डालेगा, उन पांच के पांच टाइगरों को दमदारी के साथ कोर बनाएगा, फिर उनके साथ दौड़ के जल्दी से 25-30 की टीम बनाएगा, फिर उनको दमदार कोर बनाएगा, फिर उनके साथ मिलकर के 1000-1500 की टीम बनाएगा, फिर उनको कोर बनाएगा, फिर उनके साथ यही सेम टीम को फॉलो करेगा और वो बंदा 3 से 5 साल में डायमंड बनेगा। आज दोस्तों हम लोगों को कुछ नहीं, बस इस प्रोसेस फ्लो को अच्छे तरीके से रोटेट करने की जरूरत है, लिस्ट प्लान फॉलो अप FIM और कोर ट्रेनिंग। अगर सही तरीके से ये रोटेट होता रहे, कहीं ना कहीं काम जब हमारा रुकता है तो इसमें से कोई ना कोई एक चीज जब छूट रही होती है तभी हमारा काम रुकता है। या तो लिस्ट प्रॉपर नहीं है, लिस्ट है तो प्लान नहीं हो रहे, प्लान हो रहे तो फॉलो अप नहीं हो रहे, फॉलो अप हो रहे तो FIM नहीं हो रही, FIM हो रही तो लोगों की कोर ट्रेनिंग नहीं हो रही, और अगर ये सारे काम प्रॉपर हो रहे तो काम दमदार चलेगा, काम दमदार चलेगा। ये पांचों के पांचों चीजों पर फोकस करना है। आप अपनी टीम में चेक करके देखो कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, कौन कौन सी चीजें जो छूट रही हैं। अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को कोर बनाने पर फोकस करना है। जितने ज्यादा आपकी टीम में कोर होंगे उतना बड़ा काम होगा। एक कोटेशन जिंदगी भर हमेशा याद रखिए, आपकी असली टीम वो नहीं होती जो इंटरनेट पर दिखती है, असली टीम वो होती है जो ग्राउंड में दिखती है, और ग्राउंड में जो दिखते हैं वो कोर दिखते हैं, कोर। तो हमें लोगों को दो जगह जोड़ना होता है, एक तो कंपनी के साथ में जोड़ना होता है और दूसरा सिस्टम के साथ में जोड़ना होता है। बहुत सारे मेरे भाई कंपनी के साथ में तो जोड़ने वाला काम कर देते हैं लेकिन दूसरा काम सिस्टम के साथ में जोड़ने वाला नहीं करते। आपको जो भी बंदों को ज्वाइन कराना है वो दो जगह ज्वाइन कराना है, एक कंपनी में, दूसरा सिस्टम। आप हार्डवेयर वाला कंप्यूटर तो ला करके दे दिया लेकिन उसके अंदर जब तक सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा तब तक उसका कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। तो हमने सिस्टम में ज्वाइन करा दिया, उसको प्रोडक्ट दिला दिया, कंपनी ने उसको प्रोडक्ट दे दिया, वो सिर्फ हार्डवेयर है, आईडी लग गई। सॉफ्टवेयर जो डलता है वो सिस्टम से डलता है, डायमंड बनने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम से आने वाला है, वो बंदे को सिस्टम पे लाना है और उसको कोर बनाना है। और हमारा मिशन होना चाहिए जो भी बंदा ज्वाइन होगा उसको हर हाल में जल्दी से जल्दी 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उसको कोर ट्रेनिंग देनी है। ये मत सोचो कि 100 लोगों की कोर ट्रेनिंग करूंगा, 50 की कोर ट्रेनिंग करूंगा। मैंने जोधपुर में पहली कोर ट्रेनिंग मात्र 3 लोगों की थी, मात्र 3 लोगों की, और मेरे को कोर ट्रेनिंग देना भी नहीं आता था। प्रगति सूत्र बुक को रख लिया था, बस उसमें से पढ़ पढ़ के, भाई मैं अपना कोई ज्ञान नहीं दे रहा, जो महागुरु जी लोगों ने लिखा है मैं बस वो पढ़ के सुना रहा हूं। वो फौजी लोग थे, मैं सिविलियन था, लेकिन मैंने बिठा करके मैंने उनको कोर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। आज वो तीनों के तीनों लोग बहुत ही सक्सेसफुल लेवल पे हैं। आप शुरुआत कर दो, 2 लोगों से कर दो और उनका कमिटमेंट लो और उनको कोर नहीं कमांडो बनाना, कमांडो एकदम दमदार बब्बर शेर होने चाहिए आपके। और अगर आप लगातार 1 साल तक हर महीने नॉन स्टॉप कोर ट्रेनिंग करो, मैं बोलता हूं 1 साल में डायमंड बन सकते हैं साहब, 1 साल में। आज अगर आप 5 लोगों की भर्ती कर रहे हो, 5 लोगों को अगर आपने ज्वाइन कराया, इसी महीने उनकी कोर ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। अगले महीने की कोर ट्रेनिंग में 10 बंदे बैठेंगे, भाई साहब 10 बंदे मैं लिख के दे रहा हूं। दमदार कोर ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया है, साला जो शराब पीता है, दारू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, भांग खा रहा है, सुसु करने गया, लौट गया है तो पौआ चढ़ा के आ गया, लेकिन कोर ट्रेनिंग दे दे करके साला उनको भी सुधार दिया, उनको भी टाई लगाना सिखा दिया, जय हो करना सिखा दिया। ये पावर होनी चाहिए आपकी कोर ट्रेनिंग के अंदर, ये पावर होनी चाहिए आपकी कोर ट्रेनिंग के अंदर। ये विजन संवाद का है। अगर आप अपनी बात सामने वाले के सामने अच्छे दमदारी के साथ रख सकते हैं तो सामने वाला तो आपके साथ बिल्कुल दमदारी के साथ काम करेगा। अगर हम पहले महीने 5 लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, दूसरे महीने 10 आएंगे, मैं बोलता हूं 3rd महीने को ट्रेनिंग होनी चाहिए, 20 आएंगे। 15 लोग हैं, 116वें आप, कैसे नहीं आएंगे 20 लोग 3rd महीने की कोर ट्रेनिंग में। 4th महीने की कोर ट्रेनिंग होगी, 40 आएंगे, 20 ये हैं, 15 पहले थे, मिला के 35 और 36 में आप हैं, 40 कैसे नहीं आएंगे। 5वें महीने की कोर ट्रेनिंग में 80 आएंगे भाई साहब, 6ठे महीने की कोर ट्रेनिंग में 150 लोग आएंगे, 7वें महीने की में 300 आएंगे, आपको कोर ट्रेनर तैयार करने पड़ेंगे, इतने लोग आएंगे। मैंने किया है एक एक दिन में, जब मैं 3 लोगों को कोर ट्रेनिंग दिया, एक एक दिन में 20-20-30 DD आती थी। बैंक जाते थे हम, साला नोट इतने इकट्ठे हो जाते थे, उस समय DD बनाना होता था, 3-3 बैंकों में जाकर के DD बनता था, इतने DD आते हैं भाई साहब। ग्राउंड पर काम किया है, ऐसे फ्लूक में डायमंड नहीं बने। काम करोगे तो 7वें महीने में 300 भी लोग आएंगे, 8वें महीने में 600 भी आएंगे, मैं बोलता हूँ 9वें महीने में 1000 भी आएंगे, 10वें महीने में 2000-2500 भी आएंगे, और 11वें महीने में आएंगे भाई साहब। अगर आप लोगों को लगातार ट्रेनिंग दो,
ट्रेनिंग दो, लोगों को ट्रेंड करो, लोगों को कंपनी से तो ज्वाइन करा दिया, सिस्टम से ज्वाइन कराना जरूरी है। फॉलोअप करते हैं, डीडी निकालने के लिए तो चक्कर लगाते हैं, उस बंदे के चक्कर लगाने, लिस्ट बनाने के लिए, ड्रीम सेट कराने के लिए। मैं जिन्न की तरह बोले तेरे दरवाजे पे खड़ा हूं भाई, मैं जाऊंगा नहीं तब तक। हर बंदे के साथ में प्लानिंग सेट करनी पड़ेगी, हर सिटी के लिए प्लानिंग सेट करनी पड़ेगी। मैं अगर आज इस लेवल पे हूं, सिर्फ एक ही चीज है मेरे पास, हर आदमी के लिए प्लानिंग है, चाहे वो मास्टर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, किसान हो, कोई भी बंदा हो, लुच्चा गुंडा बेईमान बदमाश कैसा भी मेरी टीम में आ जाए, हर बंदे के लिए प्लानिंग है। इस बंदे के साथ में काम कैसे हो रहा है उसके लिए प्लानिंग है। किसी भी शहर के अंदर टीम बनी हो, मैं कहने के लिए नहीं बोलता कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भाई साहब मैं गया हूं, मैं जाता हूं जम्मू, मैं गया हूं अखनूर, मैं गया हूं उधमपुर, मैं कहने के लिए नहीं है कि बोल दिया कि साहब कश्मीर से कन्याकुमारी, मैंने प्लान किए हैं। मैं गया हूं पंजाब, मैं गया हूं हरियाणा, मैं गया हूं कर्नाटक, मैं गया हूं आंध्र प्रदेश, मैं गया हूं उड़ीसा। हर बंदे के लिए प्लानिंग, आपको ये कमिटमेंट होना चाहिए। मेरी टीम में आया साला, उसके लिए प्लानिंग मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा बाबा जी? हर बंदे के लिए प्लानिंग बनाओ, भगवान का भेजा हुआ वो फरिश्ता है। आज मैं भी अगर यहां हूं तो मेरे लिए भी मेरे मेंटर्स ने प्लानिंग बनाई। स्टूडेंट है, जो भी है, दुबला पतला जैसा है, जैसा भी है, टेढ़ा है, पर मेरा प्लानिंग बन गई मेरे लिए, बन गई तो बन गया मैं कोरोना मिनिस्टर। अरे मेरे जैसे 36 जसवीर आपकी टीम में ज्वाइन होते हैं, बस उनके लिए प्लानिंग सेट करने की जरूरत है। दमदारी के साथ प्लानिंग बनाओ, और ये नारा हमेशा से है, हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। टारगेट उन्हीं का होगा जिनके पास कोर लीडर होंगे, फौज तगड़ी होगी। वीकली इंडेक्स कार्ड पर फोकस करो, रोजाना डेली अपना अवलोकन करो, सेल्फ मॉनिटर करो, अपने आप से सेल्फ डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। अपलाइन के पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अभी जूम मीटिंग में कई लोग घूंघटा डाल के बैठे, क्या कर लोगे साहब? उन्होंने कर लिया वीडियो बंद। कई लोग रजाई में बैठे हैं आराम से, क्या कर लोगे? हमारे पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आपका कमिटमेंट, आपकी ईमानदारी ही सीसीटीवी कैमरा है। आप अपने आप से ईमानदार बन जाओ। जिस दिन आपने अपनी नजरों में जवाबदेही देना शुरू कर दिया, उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से रोक नहीं सकती। अपने आप से नजरें मिलाना शुरू कर दो, और ये वीकली इंडेक्स कार्ड आपको नेविगेट करता है, आपको मॉनिटर करने में मदद करता है कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे मेंटर की टीम में आता हूं कि आज महा गुरुजी श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर यूं ही वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से महा गुरुजी को देखा है। हम लोग भूल जाते हैं, गप्पे लगा रहे हैं, हम इधर उधर मूवी देखने जा रहे हैं और हम भूल गए सोशल मीडिया के चक्कर में, लेकिन महा गुरुजी का संकल्प रहता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से महा गुरुजी के साथ होटल में स्टे करके देखा है। महा गुरुजी का रोजाना का शेड्यूल है कि 20 मिनट किताब पढ़नी का मतलब पढ़नी है। चाहे रात के 12 बज जाए, महा गुरुजी सोते नहीं है। लोग बोलते हैं मेरा 1 करोड़ का चेक क्यों नहीं बना? भाई साहब कमिटमेंट का लेवल चेक करो, कमिटमेंट का लेवल चेक करो भाई साहब। महा गुरुजी 6:25 पे ऑनलाइन होते हैं भाई साहब, कमिटमेंट का लेवल चेक करो। और ये चीज संस्कारों में आएगी तो निश्चित रूप से 1-1 करोड़ के चेक हम लोगों के भी दिखेंगे और हम भी इतिहास बनाएंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सब लोगों के लिए एक ही विश करता हूं, नए साल के दिन परमपिता परमात्मा का, आज मेरा लकी दिन है, तो इस पैनल पर बैठे हुए 1-1 टाइगर को, जो आज यूट्यूब पे ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, सारे के सारे बब्बर शेरों की सेना को इस लंदन ब्रिज पर सेल्फी लेने के लिए जरूर भेजना, वहां कॉफी पीने के लिए जरूर भेजना, मैं भी साथ में रहूंगा, हमारे ग्रेट मेंटर्स भी रहेंगे, और अब की बार की पार्टी जो लंदन में ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो यूनिवर्सल क्राउन मिनिस्टर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए जसवीर जी के लिए, बहुत जोरदार तालियां, वंडरफुल। कोई